अपना माया टाप झगड़ा करते करते मन में इधर पत्थर चलाने लगी पूरा जो सब बोला कि कहाँ गोली छूटने लगा इतना पत्थर मार रही हूँ जो केन्दुझर जिला बड़बिल पौरपालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 4 श्रीरामनगर बस्ती बासिंदा शांति में रहीपारती कारण दीर्घ 4-5 वर्ष हेब बस्ती बासिंदा घर उपरक पथर फिंगा जाउथिबा अभियोग करिछन्ति। सेठी रहुथिबा उषादेवी नामक जने वृद्धा महिला एवं तांको पुओ समस्त घर उपरक टेका पथर फोपाड़ुछन्ति। पचारिबारु गले केही भी उषादेवी खराब भाषा गाळीगुलज करबा सहित मारिबाकु गोडाउछन्ति बोली कहछन्ति। एथिरे बस्ती बासिंदा घर आजबेस्ट घर भांगिबा सांगकु कहार केतेबेले मुंडर मध्य आघात होई रक्त बाहरुछि। तेबे वर्तमान से ही वृद्धा महिलांक मुंड फाटिछि बोली तांको झिया वर्षा सिंह अभियोग करिछन्ति कि मो माँ को बस्ती रे समस्ते माड़ मारिछन्ति किंतु बस्ती बासिंदा कहिछन्ति उषादेवी मानसिक स्थिति ठीक नथिबारु ओ तांको पुओ निशाग्रस्त होई प्रत्येक दिन माँ को बाड़ेई थाए से ही मारिके मुंड फाटिछि। एहा सहित बस्ती बासिंदा सरकार को निवेदन करिछन्ति कि उषादेवी मानसिक परिस्थिति ठीक नाही तांको घरे तांको पुओ व्यतीत केही रहंती पुओ सबु समय निशाग्रस्त होई सही मध्य टेका पत्थर फोपाड़े माँ को मारे तांको झियो वर्षा सिंह शाशु घरे रुहे वृद्धा महिला जनक देखाशुना करिबा पई केही नाहंती तांकर मानसिक स्थिति ठीक नाही। जदि सरकार एही वृद्धा महिला उषादेवी को चिकित्सा पई किछि व्यवस्था कले समस्त सुरक्षित रही पारिबे शांति श्रृंखला रे चली पारिबे बोली सरकार को बस्ती बासिंदा निवेदन करिसेंती। नाम उथमी देवी, कहाँ रहते हैं? श्री रामनगर। क्या हुआ यहाँ पे जो कि हम लोग को सुनने को मिला कि यहाँ पे कुछ जो महिला है ओल्ड महिला है जो वृद्ध महिला है वो पत्थर उत्थर फेंकती है, आप क्या बोलेंगे इसका बारे में? क्या है जी पत्थर फेंकती है? वो पत्थर फेंकती है, हम लोग उन बच्चा लेके सोए रहते दिन रात पत्थर फेंकती है, ऊपर से गाली भी देती है, बोलने जाते हैं तो उसका बेटी भी झगड़ा करती है, बोलते कि नहीं मेरा माँ पागल नहीं है, तुम लोग मेरा ऊपर मारती है, बस वह खुद मारती है, हम लोग क्यों मारेंगे? कब से पत्थर फेंक? पत्थर तो मार रही है 3-4 साल से। आप लोग अभी तक क्यों कंप्लेन नहीं किए, पहले क्यों नहीं बोले थाना वाला को जाके थाना को जा? मैं हम लोग जिसे सोचते हैं कि बूढ़ी आदमी है क्या बोलेंगे, जिसे समझाते बुझाते हैं फिर एक बार वहाँ भी गए। कभी चोटिल हुए हैं पत्थर से? दो बार मेरा नाती बच्चा है लेके सोए थे तो घर का छत टूट गया है जाके हाँ टूटा है देख सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है आपका साथ में, आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते ही है कि उसको इलाज करवाए, कहीं भी ले जाकर के इलाज कराए तो हम लोग बढ़िया से रहेंगे, जिसे सो नहीं पाते रात रात दिन टेंशन में रहते कि कब पत्थर फेंकेगी मुंडी फूटेगा मेरा बच्चा का लगेगा कहीं भी लगेगा, मेरा बच्चा सब एक रूम में सोते हैं, टीना का रूम है वो एल्वेस्टर वाला छोड़ के हम अपना ई रूम में सोलाते हैं, अपना सास अपना बेटा बेटी सबको लेकर सोते हैं। एक दिन 11 बजे रात में तो बहुत पत्थर मारी, अब पत्थर मारने के बाद पूरा टूट गया, मेरा बच्चा सा लेके हम अपना रूम में सोए हैं, और जिसे यहाँ बोलने आए चाची का है पत्थर मारे, चाची खुद अपने मारी, माँ बेटा हम दोनों झगड़ा कर रही है और ऊपर से खुद मारी है, फिर बोले कि मारेंगे रंडी फंडी करके गाड़ी खूब दिए ई की है। हम लोग यह चाहते कि उसको इलाज करवाए, माँ बेटा दोनों का गुंजा देवी दरवाजा खुद टोड़ी अपना आए। बेटा उनका बेटा कैसा दिमाग खाली है? नहीं उसका माँ भी पागल है उसका बेटा भी पागल है, बेटी तो यहाँ रहती नहीं, बेटी तो डर से बोलती है, उसका छोटकी बेटी जब आई तो बोली ये भाभी हम नहीं यहाँ रहेंगे, मेरा बेटी को जिसे कि मार देगी, मेरा माँ पागल हो गई है, तो उसका बेटी जब डर से नहीं रह रही है तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? उसका बेटी थोड़ा रह के देखे वहाँ पर कि हाँ मेरा माँ कैसे कर रही है नहीं कर रही है ये सब और दवा इलाज नहीं करवाती है, बोल रही है कि हम इलाज करवा रहे हैं उसका। नाम? कंचन प्रजापति। कहाँ रहते हैं? श्री रामनगर में। तो क्या हुआ ऐसे सुनने में आया कि एक जन हम लोग को बोला कि वो जो एजेंट महिला है यहाँ पे रहते हैं उनका मुंडी सर फटा हुआ है, हम लोग को भी बोले थे और ये केस थाना तक भी गया है, क्या है सच क्या है बोलिए? सच यही है कि दोनों माँ बेटा इतना झगड़ा करता है, गंदा गंदा गाली देता है, दोनों माँ बेटा अपने पे मारा मारी पूरा मुंड फूटा फूटी करता है, उसका बेटा भी पूरा नशा में रहता है, अपना माँ को खुद गाली देता है मारता है और घर को ऊपर चढ़ के सबका घर में पत्थर मारता है, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है अंगना में पत्थर आता है, एक दो बार बचे भी हैं उसका पत्थर से, हम लोग उससे बहुत परेशान हो गया, 4-5 साल से इन लोगों ने परेशान करके माँ बेटा रखा है और इसका बेटी दामाद यहाँ रहता नहीं है, यहाँ आता भी नहीं है, कभी काल महीना में एक आध बार आएगी 5-10 मिनट के लिए आएगी बस इतना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कब से हो रहा है इसे? 4-5 साल से हो रहा है, हम लोग परेशान हो गए हैं, हम लोग को उनको ये सुविधा चाहिए कि अगर ये पागल है तो इसको ले जाए बाहर, इसका इलाज कराए या बाहर रखें, मतलब
नहीं, आप सरकार से आप लोग क्या निवेदन करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं कि इनको यहाँ से ले जाएं, कहीं ले जाके अपना पागल खाना में रखें, अगर पागल है ना तो इनको चेकअप कराएं, बस यही हम लोग चाहते हैं। ये जो पत्थर उत्थर मारती है इससे हम लोग ये करते, छोटा छोटा बच्चा है, लगने का डर रहता है, ऊपर नीम का पेड़ है, भाई भी इतना पागल है कि ऊपर चढ़ चढ़ के इधर उधर देखता है। क्या देखता है? हम लोग नहाते हैं तो देखता है, घर के ऊपर पत्थर मारता है और बोलने से बहन तो भी आके झगड़ा करती है माँ से ज्यादा। तो क्या नाम उसका, भाई का नाम क्या, उसका लड़का का नाम क्या है? उसका भाई का नाम सूरजा है। पूरा नाम क्या? सूरज सिंह नाम है। ठीक। आपका नाम? राकेश पटेल। कहाँ रहते हैं? श्री रामनगर। हाँ, रात भर गाली देती है, रात भर पत्थर मारती है, कभी इसका टीना में ऐसा था गाली देता है कि कोई भी आके एक घंटा यहाँ रह नहीं सकता है, किसी अच्छा फैमिली यहाँ एक घंटा रह नहीं सकता है। नहीं, इतना कम से कम कितना दिन से, जब भी सुनने में आया कि जो भी लेडीज लोग हाँ, बोले कि हम पूछे थे तो 4-5 साल से पत्थर मार। हाँ, 4-5 साल से। 4-5 साल से आप लोग कैसे चुप बैठे थे? तो सर के पास बहुत बार केस आ चुका है इसके बारे में, 3-4 बार जा चुका है। तो इस बार जो हम लोग लेडीज लोग थाना गई थी तो ये लोग भी गया था दोनों, सुबह में रात को झगड़ा हुआ ये लोग का, और ये लोग अपने में झगड़ा किया, बेटा माँ बेटा आपस में मारपीट किया है, पत्थर होता है प्लाट में। हम लोग लोग समझाने आया तो ये लोग को बुझाई ली हुई दिखाया, ये लोग फिर लास्ट में क्या बोला कि ऐसे सर के पास हम लोग सुबह गए, लेडीज लोग गई, इसके बाद ऐसे सर बोले कि उसका लड़की को कि 15 दिन के अंदर में इसका इलाज करवाओ या कहीं रखो। इसके बाद हम लोग सब चुप हो गए, अपना ऐसे सर बोली दिए हैं पागल है, यहाँ बोलती है पागल नहीं है। बेटी क्या बोलती है कि थाना में बोलती है पागल है और यहाँ बोलती है पागल नहीं है, तो ट्रीटमेंट करवाए। अब मान लीजिए छोटा छोटा बच्चा है, कहीं तक माथा पड़िया है और बुझाई लेके जाओ, अब मान लीजिए बाहर है आदमी, रोड में घूमेगा ही, कोई घूमेगा उसको देखे गाली देती है, आना जाना करता है उसको देखे गाली देती है। कुछ हमको कल आए थे, कल हम भी आए थे तो ये पानी टंकी के पास में लड़का लोग दारू पे पीता बैठ के। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग मोहल्ला का आदमी है, गर्मी पड़ता है आके आधा घंटे में बड़ी आते हैं कभी कभी, और भी छुट्टी मिलने पे बड़ी आते हैं, और हम लोग परिवार आदमी है, कहा दारू पिए यहाँ पे बच्चे लोग के सामने, ऐसा कोई बात नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग बोलिए? अभी चाहते हैं कि सरकार इनका ट्रीटमेंट करवावे, इनका घर वाला को बोले ट्रीटमेंट करे, शांति से रहने मिले बाल बच्चा को। बस अपन को ना सुनीता जेना कौन है जी, ये बड़ा जो देखा मिलूँ ये ठीक जड़े महिला मुंड फुंड फाटी जाइए, सी आमको अभियोग भी करते कि एठिका लोक मारे सत के मिछ आप कहतु सर। घटना हूँ तीन 4 वर्ष है, माँ पु एमती एका पथर फोपड़ा फोपड़ी करती, एमतीक आम छुआ पिला नहीं रोचु, हेले एत टेका पथर फोपड़े जो घर बाहर को आमको भी डर लगे। एमती ने आम शुणे रातिर हटात माँ पुता झगड़ा लगे, आम जान नु आम आसिक बाहर देख ला बड़ी से मैंने निजे पिटापिटी होती सर। आगे अल्प थी एवं दिन राति 24 घंटा फोपड़ अत्यधिक हबार आम जा थाना कम्प्लेन कलु ना ए चाहते आप कौन सुविधा चाहते से जे पत्थर हपाड़ से आम चाहे मुंड तो एमती खराब अच्छी किसी व्यवस्था करके एठू नहीं जातु, ना आम छुआ पिला नहीं घर कर रही छु से पत्थर फोपाड़ी के मुंड फटे पारती। केन्दुझर बड़बिल देवव्रत पात्र रिपोर्ट सकाळ खबर।